देखें अच्छा करते भी हैं, तब भी करते हैं, ना करें तो वो तो वैसे ही सब करते होते हैं। लेकिन इसमें अल्लाह का शुक्र है, जिस तरह आज हमने चेस किया, क्योंकि पहले भी हमने चेस किए हैं वैसे। हमारी बस यही प्लानिंग थी कि मेरी और रजवान की सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से क्या रिक्वायर्ड है, किस तरह खेलना है, कैसे लेके जाना है, किस टावर में हमने चार्ज करना है, तो वो पूरी प्लानिंग के साथ हमने अंदर उस अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया। कंडीशंस के हिसाब से और अपनी गेम ने टारगेट क्या दिया, उस हिसाब से आप प्लानिंग करते हैं, उस हिसाब से आप अपने गियर्स चेंज करते हैं। डिपेंड करता है आपने कैसे उस चीज़ों को लेना है। देखें आप नेगेटिव में भी जा सकते हैं, पॉजिटिव में, तो हमेशा इन चीज़ों को पॉजिटिव में लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। किसी को हम ये नहीं कह सकते वो क्यों ये बोल रहा है या वो क्यों ये बोल रहा है, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा काम परफॉर्मेंस देना, वो हम दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस वो दी जाए जिससे पाकिस्तान जीते। देखें पार्टनरशिप हमारी, मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन हमारी बहुत अच्छी है, और हमने क्योंकि अल्लाह का शुक्र ऐसी चेजिंग का पहले भी किया, तो हमारी जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी मिलती है। और बिलीव होता है कि कभी कभार हम ऐसे रन लेते हैं कि हम गोल भी नहीं करते तो हम भाग जाते हैं, तो ये ट्रस्ट लेवल है, और ये ट्रस्ट लेवल पूरी टीम में, और हम कोशिश करते हैं कि एक दूसरे पर ट्रस्ट किया जाए एज अ टीम। देखें अप एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन एज अ टीम हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जिससे नहीं होता हम कोशिश करते हैं उसको सपोर्ट किया जाए, और एज अ टीम उसको लेके चला जाए, और फिर ऐसी कोशिश करते हैं कि परफॉर्मेंस दिया जाए। एक रिक्वेस्ट है काइंडली क्रिकेट के ऊपर क्वेश्चंस फोकस करें। मैं मोहित भाई वैसे कर बाबर नसीम शाह की जगह आज हसैन को किया, हसैन की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल, नसीम की जगह हमने हसैन को आज मौका दिया। हम अपने बेंच स्ट्रेंथ को भी चेक कर रहे हैं, हम डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसा मैंने और चीफ सेलेक्टर ने भी आपको बताया था कि हम डिफरेंट चीज़ें ट्राई करेंगे, जिस डिफरेंट कम्बिनेशन ट्राई करेंगे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि आगे जो इवेंट है वो काफ़ी बड़ा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो पूल है उसको इतना कॉन्फिडेंस दिया जाए कि वहाँ पे जाके जो भी प्लेयर खेले वो कॉन्फिडेंस में हो। बाबर आप कह रहे हैं कि आप तनकीद करने वालों की नहीं सुनते, लेकिन मेरा ख्याल है आपने रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े गौर से सर क्रिकेट के ऊपर क्वेश्चन कर लिया सर भाई, क्रिकेट के ऊपर आज के मैच पे हो गए ये क्वेश्चन हो गया सर, क्या हो गया क्रिकेट के ऊपर कर, मैं क्रिकेट पे तो थैंक यू वेरी मच एहसान भाई आपका क्या बात हो गई। बाबर की जो परफॉर्मेंस आई है, देखिए 152 आपने इंडिया के खिलाफ लास्ट ईयर किए थे, जो बड़ी पॉपुलर हुआ था वर्ल्ड में, आपने इंडिया को तवील अरसे के बाद शिकस्त दी थी, और आज आपने इंग्लैंड को जबकि आपने कम बैक किया था, लोगों की आदत नींदें कम थी लेकिन आपने बड़ा स्ट्रॉन्ग कम बैक किया, तो दोनों को कंपेरिजन करेंगे और जो स्टेट ऑफ द माइंड होता है कि कल आपको शिकस्त होगी लेकिन आज आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेला, तो क्या था इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? देखिए पास में जो गुजर जाता है हम कोशिश करते हैं उसको जितना जल्दी भूलें, लेकिन मिस्टेक्स हम उस पर डिस्कशन करते हैं एज अ टीम, और हमारी मीटिंग्स भी होती हैं कि हम कहाँ पे गलत थे, कहाँ पे हम और अच्छा कर सकते थे, तो हम यही करते हैं कि मैच के बाद या अगले दिन हम उस पर डिस्कशन करते हैं, कोशिश करते हैं उसको जितना जल्दी भूलें उतना अच्छा है, क्योंकि बैक टू बैक मैचेज हैं और टाइम कम है और सोचने का टाइम आपको कम मिलता है, तो जितना आप पॉजिटिव रखेंगे और जितना आप बिलीव रखेंगे, तो क्योंकि मैंने जैसे बोला कि आगे इवेंट बढ़ा है और ये मैचेस हमारे लिए काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि मोमेंटम लेके हम वर्ल्ड कप में जाएंगे तो हमें काफ़ी हक मिलेंगे। लास्ट टू तो सब ठीक है मोजम्बिक, आप कॉन्फिडेंस दें, जब इंग्लैंड का टोटल आपके नज़र सामने आया था, बट इंग्लैंड के मतलब कम हमें कुछ बता सकेंगे कि आपने देखा था आप मैच में जुगान में उनको, वो भी आली ने मैंने मोहन ने कहा था वो भी बैक पहले आप भी बैक का पहले करने तैयार थे, लेकिन उसके परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, कंडीशंस मेरे ख्याल से थोड़ी डिफिकल्ट थी, मेरे ख्याल से जैसे हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी ही कंडीशन नहीं थी, लेकिन दिखने में थोड़ा सा ड्राई विकेट लग रहा था, और लेकिन जिस तरह उन्होंने बैटिंग की वो स्टैंडिंग था उन्होंने टोटल सेट किया, लेकिन मेरे ख्याल से जो कैचेस ड्रॉप कैच ड्रॉप हुआ उससे काफ़ी डिफरेंस आया, क्योंकि कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं जिसकी वजह से इतना हाईस्ट टोटल उन्होंने करके दिया, लेकिन सेकेंड टाइम थोड़ा सा अंडर द लाइट बेहतर बॉल आ रहा था, लेकिन स्पिनर को थोड़ा सा हेल्प मिल रही थी, क्योंकि आपको पता है कि कराची में थोड़ा सा मिलता है स्पिनर्स को हेल्प। बाबर आपकी शानदार सेंचुरी, आपके हर शॉट पे जिस तरीके से फैंस चेयर कर रहे थे, हाउस पैक था, रवि जडेजा ने कहा कि फैंस बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो फैंस को कोई पैगाम देना चाहेंगे कि अगर एक आध बैड परफॉर्मेंस हो जाए तो थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है प्लेयर्स को? देखें जो फैंस हैं वो देखें जल्दी भूलते नहीं हैं, जो आपके फैंस होते हैं वो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, पर नाम जब भी आता है, क्योंकि क्रिकेट है और स्पोर्ट्स में
कुछ होता है, उससे अगला दिन कुछ और होता है, तो आप उस तरीके से चलते हैं, तो मेरे ख्याल से फैन भी सपोर्ट करते हैं, जो आपके फैंस होते हैं वो ऑलवेज आपको सपोर्ट करते हैं। और मेरे ख्याल से जिस तरह मेरे ख्याल से जितना पाकिस्तान टीम को सपोर्ट किया उन्होंने, वो आउटस्टैंडिंग रहा, क्योंकि परफॉर्मेंसेज हमारी काफ़ी काफ़ी अच्छी भी आई हैं, कहीं पर अच्छी भी नहीं आई, लेकिन उन्होंने हमें बैक किया, तो उनकी बैक की वजह से काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है। थैंक यू सो मच जी बाबा, शुक्रिया।